सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह चलना भी सीखो, उसकी तपन को सहना भी सीखो। नमस्कार, मैं हूँ उषा रावत। 2024 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो मीन राशि वाले जातकों के लिए है, तो 2024 मीन राशि वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट बनाया है मैंने, आप देखिए, गुरु शनि राहु केतु, ये चार ग्रह जो है 2024 में बड़े बदलाव लाएंगे। तो हम देखा जाए, हम तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो मीन राशि है इन पे साढ़े साती का प्रथम चरण अभी चल रहा है, साढ़े साती लग चुकी है। जो आपने इतना तो सुना ही होगा कि शनि की साढ़े साती होती है जो लोगों को बहुत ही परेशान करती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में जो 11 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 12th हाउस है, यहाँ पे शनि है, ये यहाँ जब शनि आते हैं तो यहीं से आपको साढ़े साती शुरू हो गई है, प्रथम चरण है आपका। तो शनि की तीन दृष्टियाँ होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि की, गुरु की, राहु और केतु, ये चार बड़े ग्रह, इनकी तीन दृष्टियाँ होती हैं। तो 2024 का जो टोटल करें तो 2 + 4 + 2 + 2 + 4 = 8 होता है। 8 जो है शनि का अंक है, तो 2024 भी शनि का ही साल रहेगा। तो इसमें देखें, आपकी कुंडली में, इसमें चार्ट में 8 नंबर कहाँ लिखे हैं, भाग्य स्थान में। तो आपके जो पूरे वर्ष है, भाग्य आपका, भाग्य को जरूर ये प्रभावित करेंगे शनिदेव। राशि के बारे में हम थोड़ा जाने, तो मीन राशि का स्वामी गुरुदेव होते हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो आप गुरु से रिलेटिव अगर उपाय करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। गुरु के लिए मैं आपके लिए एक उपाय बताना चाहती हूँ। तो गुरुवार के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करना शुरू कर दीजिए, और व्रत रख सकें तो और अच्छा है, व्रत रखिए। और गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और चने की दाल का दान करें। शनि आपके 12th हाउस पे है और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो ये खर्चे का घर है, घर जो आप देखें जिसमें बैठे हैं, शनि खर्च का घर है, विदेश का घर है, ठीक है, हॉस्पिटल का घर है। तो आपकी सबसे पहले खर्चे ज़्यादा करवाएंगे, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो खर्च ज़्यादा करवाएंगे। कहाँ पे? विदेश का घर है, विदेश रिलेटेड कोई भी काम है तो आपके वो बन जाएंगे। और हॉस्पिटल का घर है, हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड आपको बार बार खर्च करना पड़ेगा। तीन दृष्टियों के हम कहें तो पहली है तीसरी दृष्टि आपके पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपके पड़ रही है सेकंड हाउस पे, जो कि ये जो सेकंड हाउस है ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है, आप देख सकते हैं सेकंड हाउस पे। ये धन का घर है, कुटुंब का घर है, ठीक है, वाणी का घर है। तो इनकी दृष्टि में थोड़ा, इनकी दृष्टि जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो थोड़ा यूँ है कि ये कुटुंब परिवार से रिलेटिव थोड़ा अनबन आपकी करवा सकते हैं। और धन का घर है तो धन आपका आएगा, लेकिन 50% आएगा, क्योंकि साढ़े साती भी चल रही है और साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान तो जरूर करेंगे। वाणी आपकी कभी कभी आप सोचेंगे नहीं और एकदम से बोल जाएंगे, जहाँ नहीं बोलना होगा वहाँ भी बोल जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखें। फिर इनकी सातवीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे है, ये शत्रु, ऋण शत्रु इनका है, ये सातवीं दृष्टि है। और इसके बाद दसवीं दृष्टि आएगी, दसवीं दृष्टि भाग्य पर है, ऋण का है, शत्रु का है, भाग्य का है। तो शनि आपके इसमें क्या है कि जन्म कुंडली में देखा जाएगा, शनि आपके शनि की क्या पोजीशन है। शनि की अच्छी पोजीशन होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छी पोजीशन नहीं होगी तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उस हिसाब से इफेक्ट डालते हैं। फिर देखते हैं राहु 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 आपके लगन में, और राहु की भी तीन दृष्टियाँ होती हैं। तो इसकी
पांचवी सातवीं और नौवीं दृष्टि थी। पांचवी दृष्टि आपके पंचम हाउस पे है, जो कि आपके शिक्षा का, संतान का, ठीक है, शिक्षा संतान का होता है। फिर सातवीं शिक्षा संतान को प्रभावित करेंगे। यहाँ जहाँ राहु है, ये शनि, ये खुद नहीं अपना खुद का, इनका कोई खुद फल नहीं देते, ये खुद ग्रह नहीं है, ये शनि से रिलेटिव फल देते हैं और केतु मंगल से रिलेटिव फल देते हैं। राहु जहाँ बैठते हैं उसी घर से रिलेटिव ग्रह का अपने लक्षण ले लेते हैं। जैसे राहु गुरु के घर में है तो ये गुरु के फल इनके अंदर, उनके लक्षण ये लेके फल देने लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से केतु है, केतु बुध के छठे का स्वामी बुध है, बुध के घर में है तो इसी रिलेटिव फल देंगे, बुध से रिलेटिव। राहु अभी लग्न में तो आपके माइंड को, माइंड आपका बहुत तेज चलेगा लेकिन भ्रम पैदा करेंगे। फिर है गुरु, तो ये और गुरु, गुरु का एक मैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो गुरु है आपके, जिससे भी आप शिक्षा लेते हैं घर में, जैसे आपके माता पिता हैं या आप जिससे पढ़ते हैं वो गुरु हैं, या जो भी बड़े लोग हैं जो जिनसे आप शिक्षा लेते हैं उनका आदर सम्मान करें, तो उनका आप अपमान कभी ना करें, उनका आदर सम्मान करें, तो तब ये गुरु आपका अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड हाउस पे ये धन का घर है, कुटुंब का घर है, ठीक है, वाणी का घर है, तो इनकी दृष्टि में थोड़ा, इनकी दृष्टि जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो वृद्धि करते हैं लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो थोड़ा यूँ है कि ये कुटुंब परिवार से रिलेटिव थोड़ा अनबन आपकी करवा सकते हैं। और धन का घर है तो धन आपका आएगा लेकिन 50% आएगा, क्योंकि साढ़े साती भी चल रही है और साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान तो जरूर करेंगे। फिर राहु की सातवीं दृष्टि है सेवंथ हाउस पे, जो कि पत्नी का है, पत्नी से रिलेशन थोड़े आपकी अनबन रहेगी। बिजनेस के लिए राहु अच्छे होते हैं, बिजनेस अगर आपका है तो वो अच्छा चलेगा। फिर भाग्य पर है तो भाग्य को भी इफेक्ट, भाग्य को प्रभावित करेंगे। गुरु की तीन दृष्टियाँ होती हैं, पांचवी, एक, दो, तीन, चार, पांच। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो हानि करते हैं लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की उसकी उनकी दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन सेकंड हाउस में, धन के घर में, ये कुबेर का खजाना बोलते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी, धन कहीं ना कहीं से आपको आएगा लेकिन वो खर्च हो जाएगा क्योंकि खर्च के घर पे शनिदेव बैठे हुए हैं। पांचवी दृष्टि, एक, दो, तीन, चार, पांच, आपकी सिक्स हाउस पे आपका ऋण होगा, वो कम कर देंगे क्योंकि शनि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, शत्रु कम कर देंगे, ठीक है, जो भी ऋण होगा वो आपका खत्म हो जाएगा, शत्रु हट जाएंगे, रोग आपका कम हो जाएगा, रोग नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा। सातवीं दृष्टि, एक, चार, पाँच, छः, सातवीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस पे है, रहस्य आकस्मिक चीज़ों का है। फिर है नौवीं दृष्टि है, नौ, छः, सात, आठ, नौ, नौवीं दृष्टि आपके टेंथ हाउस पे है, आपका कर्म, आप काम करोगे, कर्म काम धंधा आपका नहीं चला तो चलने लग जाएगा, कुछ ना कुछ आप काम जरूर करोगे, कर्म करोगे और पिता से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो ये चार ग्रह केतु, केतु की दृष्टि आप देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, पांचवी दृष्टि इनकम पे, तो इनकम आपकी आएगी। इलेवंथ हाउस में केतु की दृष्टि अच्छी मानी गई है, इनकम हाउस पे है और सातवीं लगन पर है और फिर थर्ड हाउस पे है, तो ये तीन दृष्टियाँ हैं। और हम मंथली देखें तो मीन राशि के, अगर हम स्वभाव की चर्चा की जाए तो इन 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 व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो बहुत मेहनती होते हैं और इन्हें क्रोध ज़्यादा आता है और ये इन्हें क्रोधी स्वभाव बहुत होता है, एकदम से क्रोध आने लग जाता है और ये बिल्कुल जैसा देखते हैं वैसा ही बोल देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल वही बोल देंगे जैसा इन्होंने सुना, ये नहीं देखते सामने वाले को कैसा लगे लेकिन सच बोलते हैं, जैसा देखेंगे सुनेंगे वही वैसा ही बोल देंगे। और ये लोग अगर डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन में अगर रहें तो ये इनके सक्सेस का कारण हो सकता है। और इन्हें जल्दी गुस्सा आता है, खेल के बहुत शौकीन होते हैं, काम को
वो अगर साइड में रख के अपने खेल को ज्यादा महत्व देते हैं, खेल के बहुत शौकीन होते हैं। उनकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये जो शुक्र बुध सूर्य मंगल, इसमें शुक्र बुध सूर्य एक महीने में अपना घर चेंज करते हैं और मंगल 45 दिन में। शुक्र होते हैं, शुक्र बुध आपके भाग्य हाउस में जनवरी में लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए, लेकिन 7 जनवरी को बुध 9th इसमें आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और शुक्र सूर्य 15 जनवरी से अपना राशि परिवर्तन करके आपके इनकम में चले जाएंगे और मंगल अभी यहीं रहेंगे 45 दिन और शुक्र 18 जनवरी से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। जो मंथली हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपका इसमें इनके बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे। तो इस तरह से मीन राशि वालों का 2024 से मिला जुला असर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।